मलिक ने सिद्धू को कराई उनकी बातें याद, कहा किस तरह पंजाब के हित में करेंगे काम। भाजपा सांसद श्वेत मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिद्धू को उनकी बातें याद करवाते कहा कि ये वही नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो शीला दीक्षित को शीला के नाम से और सोनिया गांधी को मुन्नी बदनाम हुई और राहुल को पप्पू कहते थे। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बेअसर सरदार भी कह चुके हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू आज पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनकर लोगों के हितों की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कैसे पंजाब के लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़ पाएंगे सिद्धू। अब सुनिए क्या कहते हैं श्वेत मलिक। पुराना प्रोडक्ट नवा रैपर पैकिंग, नवजोत सिंह सिद्धू। प्रोडक्ट पुराना ही है पर उसकी पैकिंग बदल के, रैपर बदल के प्रशांत किशोर जेड़ा चुनावी षडयंत्रकारी है कांग्रेस का, उसकी ये सारी नीति है। आज राहुल गांधी नूं पप्पू का नाम देने वाला, कांग्रेस नूं मुन्नी तो ज्यादा बदनाम कहने वाला, सोनिया गांधी नूं शीला दा नां देण वाला, मनमोहन सिंह नूं मोहन सिंह कहण वाला और मनमोहन सिंह नूं इह कहण वाला कि ना ते सरदार ने ते ना ही असरदार ने। अज ऐसी प्रतिभा जिहड़ी सी कांग्रेस नूं गाला कढ़न वाली, कांग्रेस नूं अपशब्द कहण वाली, कांग्रेस के लीडर का अपमान करने वाली, उन्हें कांग्रेस की इन्नी वड्डी मजबूरी हो गई, अस्तित्व का प्रश्न हो गया कि उन्हें अज प्रधान बनाया गया। और मैनु पूरी आस है कि विभीषण नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की लंका च पूरी तरह अग ला देगा। अज दो लीडरां दे विच कांग्रेस दे मेजर लड़ाई चल रही, लड़ाई ते खैर हर लीडर ही लड़दा पिया है, पैसे की लड़ाई है, भ्रष्टाचार की लड़ाई है, माइनिंग माफिया की लड़ाई है, नशा माफिया की लड़ाई है, भूमि माफिया की लड़ाई है, पैसे कमाने की लड़ाई है। पर जिहड़े दो लीडर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जिहड़े चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने यह कहता कि सिद्धू वो तो मेरे के बच्चा है, छे साल दा सिद्धू सी स्कूल जाया करता सी निकर पा के, ते मैं उदों दा जानना। मतलब ये कहंदा कि उन्होंने ये कहा कि सिद्धू उन्होंने अगे एक बच्चा है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। और सिद्धू ने जो कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ किया, ये कहा कि मैं ते कांग्रेस दफ्तर बिस्तरा ला लेना। हुण ये की इंडिकेट करता है कि कैप्टन अमरिंदर कितने निकले ही नहीं, साढ़े चार साल चीफ मिनिस्टर रहे, ना वो किसी जिले च गए, ना वो अपने दफ्तर गए, ना उन्होंने सरकार संभाली, ना उन्होंने किसी तरह का कामकाज किया। तो जिहड़ा सिद्धू कह रहा है मैं कांग्रेस दफ्तर बिस्तर ला लेना, वह इंडिकेट कर रहा है कि अज तक कांग्रेस लवारस सी, तो मैं बिस्तर ला आ गया। बिस्तर तो खैर किन्ने लाना है, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कारा ते कोठियां ते सुख भोगने ने, ये तो कहने की गल है। पर इंडीकेशन कैप्टन नूं देती कि क्योंकि कैप्टन नजर नहीं सी आया, इस करके मैं बिस्तर लाना है। और एक किस तरह की कांग्रेस है कि जिदे दो कैप्टन ने और दोनों के मूंह एक दूजे तो अलग ने। कैप्टन ने कहता सी कि सिद्धू की एंट्री मेरे घर च बैन है, जब तक माफी नहीं मंगता। हुण कांग्रेस का प्रधान चीफ मिनिस्टर के घर नहीं जा सकेगा, क्योंकि जे सिद्धू माफी नहीं मंगता तो कैप्टन अमरिंदर ने शर्त रखी हुई है कि सिद्धू माफी मंगेगा तो मेरे घर के अंदर आ सकता है। तो मैं नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान तो यह वादा मंगना कि जो वादे करके प्रधान बने हो कि तुसी अनइंपलॉयड महिलावां ने जिहड़ियां बेरोजगार महिलावां, उन्हां नूं रोजगार दोगे कि तुसी वो बच्चे
जिन्हां नाल झूठा वादा कीता सी कैप्टन सरकार ने नौकरियां देण दा, नवजोत सिंह सिद्धू उन्हां नूं नौकरियां दिओगे? सिद्धू उन्हां नूं बेरोजगारी भत्ता दिओगे बच्चियां नूं? कि उह किसान जिन्हां नाल कैप्टन सरकार जिहदे तुसीं वी सीगे ने झूठा वादा कीता सी तुहाडा 90,000 करोड़ दा करजा माफ कर देंगे, कि नवजोत सिंह सिद्धू तुसीं उह करजा माफ करोगे? कि तुसीं बुढ़ापा पेंशन जिहड़ी बंद रही जिन्नी देर वो सारा पिछला भुगतान करोगे? विधवा पेंशन बंद रही, शगन स्कीम बंद रही, वो जो 4.5 साल का भुगतान है करोगे? कि जिहड़ा रेत माफिया काम कर रहा है उहदे ते लगाम लगाओगे? कि जिहड़ा नशा माफिया पंजाब नूं लुट के लै गया है, अज पंजाब दी जहरीली शराब नाल लोग मर गए, कि उह जहरीली शराब के कातलां नूं सजा दवाओगे? कि तुसीं अमृतसर रेलवे हादसा जिहदे तुहाडा नाम वी वजदा सी, तुसीं चीफ गैस सीगे, और बटाले दे विच पटाकियां दा जिहड़ा एक ऐसा गैर कानूनी कारोबार चल रहे कांग्रेसी नेता द्वारा, उहदे जानां चले गईयां, एसआईटीयां बनाईयां गईयां, जवाब कोई नहीं आया, कि उहनां नूं इंसाफ दवाओगे? कि तुसीं भूमि माफिया वालियां नूं जिन्हां ने जमीनां ते कब्जे कर रहे ने इंसाफ दवाओगे? तुसीं नहीं दवा सकते। सो इह अज फिर उही गल आ गई कि पुराना प्रोडक्ट नवी रैपिंग नवा कागज ला के प्रशांत किशोर ने छापा है, अज 4 महीने इलेक्शन नूं रह गए ने, इह वादे कित्थों पूरे करनगे? जिहड़े गुटका साहब हाथ च फड़ के कैप्टन साहब ने वादा ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਕੇ, ਇਹ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵੀ ਸ਼ਡਿਅੰਤਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੈਪਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓਗੇ ਯੂਨਿਟ, ਅੱਜ 12 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦਿਓਗੇ? ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 18 ਲੱਖ CCTV ਕੈਮਰੇ ਬਣਨੇ ਸੀ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਜਿਹੜੇ 2 ਲੱਖ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣਨੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਸਤੇ ਬੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ? ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਝੂਠ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ,
ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੀ ਲੱਖਾਂ ਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਬੰਗਲਿਆਂ ਚ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਲ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ। ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ